अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखी है तो इस अभिनेत्री को तो आप पहचान ही गए होंगे। यह है रेवती पिल्लई, जो अपनी बबली ब्यूटी से रातों रात पूरे भारतीय युवा के क्रश बन गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि कोटा फैक्ट्री के दिखाए गए कैरेक्टर की तरह वह भी इंजीनियर बनना चाहती थी। बाद में उनकी जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया। रेवती का जन्म महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ। वह अपने माता पिता और दो भाई बहनों के साथ रहती थी। ठाणे के एक स्कूल में ही उनकी पढ़ाई हुई। बचपन से ही रेवती का पढ़ाई के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर इस पेशे में करियर बनाने का फैसला किया था। लेकिन उनके भाई के सपने अलग थे। बचपन से ही रेवती सुंदर थी और उनके भाई चाहते थे कि वह अभिनय जगत में अपना करियर बनाए, लेकिन रेवती इसके लिए तैयार नहीं थी। उनके भाई जबरदस्ती उन्हें ऑडिशन के लिए ले जाते थे और रेवती कई बार रोते रोते ऑडिशन देने जाती थी। 2018 में ये मेरी फैमिली नामक वेब सीरीज में उन्हें पहली बार अभिनय का मौका मिला। विद्या नाम के छोटे से रोल में ही ऑडियंस ने उनके क्यूट लुक को पसंद कर लिया था। तब वह सिर्फ 16 साल की थी। इसके एक साल बाद उन्हें कोटा फैक्ट्री में मौका मिल गया। कोटा फैक्ट्री में भले ही उनका रोल सहायक था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। पर्दे पर वैभव की प्रेमिका, शांत स्वभाव की वर्तिका के रोल में उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। असल जिंदगी में भी रेवती का सपना इंजीनियर बनने का था, और पेशे के खातिर भी इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी का अभिनय करते हुए उन्हें देखा गया। कोटा फैक्ट्री में अभिनय करने के बाद वह रातों रात क्रश बन गई। इस पर रेवती भी हैरान थी। एक पुराने साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, मैं तो पहले विश्वास ही नहीं कर पाई। मैंने सोचा दो एक लोग ही ऐसा कह रहे हैं। फिर देखा मेरा इनबॉक्स शुभकामनाओं से भर गया। सबके मुंह से एक ही बात सुनने को मिली, यह सच में भाग्य की बात है। मुझे ऐसे किरदार मिले जिससे मैं दर्शकों की प्रिय बन पाई। लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने दिन सबकी क्रश बनी रहूंगी। मुझे और काम करना होगा, बस इतना जानती हूँ। कोटा फैक्ट्री के बाद रेवती स्पेशल ऑप्स, स्पेशल ऑप्स 1.5, द हिम्मत स्टोरी, बटरफ्लाइज 3, द इंटरन्स और जब वी मैच्ड जैसी कई वेब सीरीज में नजर आई। OTT पर कैपिटल ए स्मॉल ए नामक एक शॉर्ट फिल्म में भी उन्होंने काम किया, जिसमें उनके अपोजिट तारे जमी पर के बाल कलाकार दर्शील सफारी थे। हाल ही में रेवती के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 11 लाख पहुंच गई। अभिनेत्री का मानना है कि इस पेशे में टिके रहने के लिए सोशल मीडिया की जरूरत बहुत ज्यादा है। रेवती पिल्लई की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और लगन से किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है, चाहे वह अभिनय हो या इंजीनियरिंग। उनके जैसा जज्बा और समर्पण हमें भी प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों का पीछा करते रहें। धन्यवाद।